नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति की हुई बड़ी बैठक। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 155, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 78 और अजीत पवार की एनसीपी 55 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में जारी है खींचतान। हालांकि विवादों के बावजूद भी 270 से अधिक सीटों पर बन चुकी है सहमति। दरअसल मुंबई और विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट में है विवाद। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आम्बेडकर ने एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जब शरद पवार थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की थी मुलाकात। केंद्र सरकार के बिना मंजूरी के ऐसी मुलाकात संभव नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर और पिंपरी चिंचवड़ में महायुति गठबंधन को उद्धव ठाकरे गुट ने दिया बड़ा झटका। बीजेपी के राजन तेली और सुरेश बनकर तो वहीं एनसीपी के दीपक सलुंखे और मोरेश्वर भूमरे उद्धव गुट में हुए शामिल। वसई विरार में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली हितेंद्र ठाकुर की पहली बहुजन विकास आघाड़ी का चुनाव चिन्ह सीटी को बदल सकता है चुनाव आयोग। बीवीए को दूसरे निशान पर लड़ना पड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से मिलेगा नया निशान। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। वारदात के समय बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा गार्ड श्याम सोनवड़े को पुल किया गया सस्पेंड। दरअसल सुरक्षा कर्मी ने बाबा सिद्दीकी के हमलावरों पर नहीं की थी जवाबी कार्रवाई और न ही एनसीपी नेता को बचाने के लिए किया कोई प्रयास। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। नितिन सप्रे, राम फुल चंद कनोजिया, संभाजी किशोर पारधी, प्रदीप दत्तू थोम्बरे और चेतन पारधी के रूप में हुई पहचान, जिन्हें अलग अलग इलाकों से किया गया है गिरफ्तार। नितिन सप्रे और राम कनोजिया है मुख्य आरोपी जिन्होंने शूटर्स को मुहैया कराए थे हथियार। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में रार। आपस में भिड़े उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ बैठक में शामिल होने से उद्धव गुट ने किया इनकार। इसी बीच उद्धव ठाकरे से मिले रमेश चन्नीथला उद्धव ठाकरे का हाल चाल लेने गए थे कांग्रेस नेता। कहा, उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी दोनों की तबीयत है ठीक। मुंबई के पूर्व मेयर और शिवसेना नेता दत्ता दलवी पर विक्रोली इलाके में हुआ हमला। सड़क पर रखी सब्जी की क्रेट हटाने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद एक ठेले वाले ने किया हमला। मामले की जांच में जुटी है मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल में महिला टीचर द्वारा चौथी और छठी क्लास की 50 से अधिक छात्राओं को पिटने का हैरान करने वाला मामला आया सामने। घटना से नाराज अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जमकर किया हंगामा। स्कूल टीचर के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मौके पर पहुंची नगर निगम की उपायुक्त ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। नहीं थम रहा है विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला। अब दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद फ्रैंकफर्ट की और डाइवर्ट की गई फ्लाइट। इंडिगो और अकासा के 10 विमानों में बम होने की मिली धमकी। सोमवार से अब तक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के 70 मामले आए सामने, जिसमें विस्तारा, इंडिगो और एयर इंडिया के विमान भी है शामिल। एविएशन सेक्टर में मचा हड़कंप। हालांकि जांच में झूठी पाई गई है धमकियां। मामले में जारी है पुलिस की जांच। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। 14 सितंबर को दर्ज किया गया था केस, जिसमें संजीव हंस और गुलाब यादव समेत उनके परिवार के करीब 14 लोगों को बनाया गया है आरोपी। 13 और 14 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के मामले में अब तक 31 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, जिसमें हिंसा करने वाले और राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले 5 आरोपियों को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा। अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीब और अफजल के रूप में हुई मुख्य आरोपियों की पहचान। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन। दरअसल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने मुख्य आरोपी समेत
23 लोगों के घरों में चस्पा किया नोटिस। 3 दिन में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए लगाई गई है नोटिस। वहीं बुलडोजर के डर से दुकानदारों ने खुद शुरू किया अतिक्रमण को हटाना। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हुआ बड़ा हादसा। अचानक से अनियंत्रित होकर नाले में गिरी 53 यात्रियों से भरी बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर। कई लोग हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के बांका में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने श्रद्धालुओं को कुचला। हादसे में 4 से अधिक श्रद्धालुओं की हुई मौत, जबकि 10 से 11 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कई लोगों की हालत है नाजुक। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जिस विकास यादव को अमेरिकी एजेंसी SBI ने वांटेड किया है घोषित, उसे 10 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हत्या की कोशिश और अपहरण के आरोप में विकास यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2023 में दर्ज किया था केस। मार्च में पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट और अप्रैल 2024 में विकास को मिल गई थी बेल। प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत चल रही जांच में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गुप्त गतिविधियों का हुआ चौंकाने वाला खुलासा। PFI की खाड़ी देशों में व्यापक मौजूदगी कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों में है। PFI के 13,000 से अधिक सक्रिय सदस्य, जिनके जरिए होती थी विदेशी फंडिंग। ईडी ने PFI की 55 करोड़ की संपत्ति की जब्त। सामाजिक एजेंडे का मुखौटा ओढ़े हुए PFI पर कई स्तरों वाली साजिश। हथियार, प्रशिक्षण, आतंकी फंडिंग और देश विदेश में हिंसा भड़काने का है आरोप। सामाजिक सक्रियता के आड़ में हिंसा और देश को अस्थिर करने की रची जा रही थी साजिश। PFI को अवैध गतिविधियों को चलाने और स्रोत को छिपाने के लिए विदेश से कानूनी बैंकिंग और अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में भेजे जाते थे फंड। बिहार में जारी है जहरीली शराब का कहर। अब तक 53 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। सीवान में 39, गोपालगंज में 2 और सारण में 13 लोगों की हो चुकी है मौत। अभी भी दर्जनों लोग अस्पताल में हैं। भर्ती बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी मिली जमानत। साल 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया था गिरफ्तार। 2 साल बाद जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन, तो आप कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। भारत और कनाडा के बीच लगातार जारी है तनाव। बिगड़ते संबंधों के बीच दिल्ली ने भगोड़े आतंकवादियों की सूची में कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के एक अधिकारी का शामिल किया नाम। ट्रूडो प्रशासन को सौंपी सूची जिसमें है कथित अधिकारी का नाम और तस्वीर। हमास पर जारी है इजरायली सेना के हमले। लगातार हमास की कमर तोड़ रही है IDF। हमास लीडर सिनवार की मौत के बाद अब इजरायली हमले में मारा गया हमास की अल सुल्तान बटालियन का चीफ महमूद हमदान। वहीं इसराइल में एक इमारत पर हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन से हमला। दरअसल निशाने पर था PM बेंजामिन नेतन्याहू का घर। बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया का जोरदार पलटवार। बल्लेबाजों के दम पर न्यूजीलैंड के बढ़त को किया खत्म। अब बैकफुट पर आई कीवी टीम। सरफराज खान ने लगाया शानदार शतक। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram और Facebook को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।